हेलो दोस्तों, तो आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट आईसीआईसी बैंक में है तो आप उसके आईसीआईसी डायरेक्ट मार्केट ऐप में अपना होल्डिंग शेयर को सेल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पास मैं आपको अपना होल्डिंग शेयर को सेल करके दिखाने वाला हूँ, जो कि मैंने बहुत पहले जोमेटो का एक शेयर होल्ड करके रखा हुआ था, उसको मैं आपको आईसीआईसी डायरेक्ट ऐप में आपको सेल करके दिखाने वाला हूँ, वो भी लाइव मार्केट में। तो आप इस वीडियो में तब तक बने रहेगा, क्योंकि बहुत लोगों को होल्डिंग को सेल करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आज आपको डिटेल बताने वाला हूँ कि होल्डिंग को सेल करना कैसे है। और सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको मार्केट रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पास हमने मोबाइल में आईसीआईसी डायरेक्ट को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब आपको पोर्टफोलियो में लेकर चलता हूं, जहां हमारा होल्डिंग दिखेगा। यहां पास आप नीचे में देखेंगे, आपको तीसरे नंबर का ऑप्शन पोर्टफोलियो में क्लिक कर लेना है। पोर्टफोलियो में क्लिक करने के बाद यहाँ पास हमारे पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं हमारे जोमेटो का एक शेयर होल्डिंग करके रखा हुआ है। यहाँ पास अगर ओपन पोजीशन में जाएंगे तो ओपन पोजीशन में आपने आज भी जो भी पोजीशन बनाया है वो यहाँ पास ओपन पोजीशन में शो करता है, लेकिन आपने जो होल्डिंग करके रखा हुआ है वो आपके यहाँ पास पोर्टफोलियो में शो करता है। तो यहाँ पास आप पोर्टफोलियो में देख सकते हैं मैंने जोमेटो का एक शेयर होल्डिंग करके रखा हुआ है, जो कि मैंने पहले बाय किया था 103.99 रुपए में एक क्वांटिटी, जिसका वैल्यू हो चुका है 178 रुपया। मतलब कि हमारा 71% शेयर बढ़ चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे जोमेटो में हमें 71% का प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं आपको इसको सेल करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में तब तक बने रहेगा कि होल्डिंग को सेल करना कैसे है, क्योंकि होल्डिंग को सेल करने में हमें टिपिन वगैरह की जरूरत होती है, जो कि मैं आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस आगे बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पास जिस भी पोर्टफोलियो को सेल करना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप एनएससी में सेल करना चाहते हैं कि बीएससी में, आपके ऊपर आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पास एनएससी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पास सेल बटन में क्लिक कर लूंगा। सेल बटन में क्लिक करने के बाद आप हमने डिलीवरी में बाय किया था तो पहले से डिलीवरी सेलेक्ट रहेगा, क्वांटिटी हमने एक बाय किया था तो एक क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद मैं इमीडिएट सेल करना चाहता हूँ जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है, तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लूंगा। अगर आप लिमिट प्राइस लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पास लिमिट प्राइस लगा सकते हैं, लेकिन उस लिमिट प्राइस में आते तक आपको वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पास मैं मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लूंगा। मार्केट प्राइस सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पास सिंपली सेल बटन में क्लिक कर दूंगा। सेल बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको यस बटन में क्लिक कर लेना है। यस बटन में क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पास स्वैप टू सेल में क्लिक कर देना है। स्वैप टू सेल में क्लिक करने के बाद आप NSDL के साइट में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। NSDL के साइट में रीडायरेक्ट होने के बाद अब आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पास आपको फिल करना है। OTP को फिल करने के पहले यहाँ पास आपको अपना MPIN बनाना होगा। तो दोस्तों, हमारे मोबाइल नंबर में OTP आ चुका है। अब OTP को फिल करने से पहले यहाँ पास आपको अपना MPIN बनाना होगा। आपको यहाँ पास अपना MPIN बना लेना है। आपका MPIN अब जब भी अपना होल्डिंग को सेल करेंगे तब आपका काम आएगा। तो आपको MPIN आपको बना लेना है और उस MPIN को आपको नोट करके भी रखना है, क्योंकि अब जब भी होल्डिंग को सेल करेंगे तो आपको MPIN लगेगा ही लगेगा। आपको अपना 6 डिजिट का MPIN बना लेना है। MPIN बनाने के बाद अब आपके मोबाइल नंबर में जो भी OTP आया है उस OTP को यहाँ पास फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पास OTP को फिल कर देता हूँ। OTP को फिल करने के बाद अब यहाँ पास आपको सबमिट बटन में क्लिक कर देना है, लेकिन आपको अपना MPIN याद रखना है। आप अपना MPIN नोट करके रखिएगा। तो सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और आपके मोबाइल नंबर में फिर से एक OTP आएगा। तो उस OTP को आप कहाँ फिल करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पास आपको स्क्रॉल करके नीचे की ओर चले जाना है। स्क्रॉल करके नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पास आपको TNC पर क्लाइंट में यहाँ पास आपको राइट टिक कर लेना है। यहाँ पास आप देख रहे हैं आपको ब्लैंक डिब्बा दिख रहा होगा, यहाँ पास आपको राइट टिक कर लेना है। राइट टिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर में जो भी OTP आया होगा उस OTP को यहाँ पास फिल कर देना है। तो यहाँ पास दोस्तों, हमारा राइट टिक नहीं हुआ है तो हम यहाँ पास राइट टिक कर लेंगे। उसके बाद इंटर OTP में क्लिक करके हमारे मोबाइल नंबर में जो OTP आया है उसको मैं यहाँ पास फिल कर लूंगा। तो यहाँ पास मैंने OTP फिल कर लिया है। OTP को फिल करने के बाद फिर से अगेन मैं यहाँ पास सबमिट बटन में क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों, OTP डालकर सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पास हमें व्यू ऑर्डर बुक में क्लिक कर लेना है। व्यू ऑर्डर बुक में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपको एग्जीक्यूटेड में चले जाना है। एग्जीक्यूटेड में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा जोमेटो का होल्डिंग यहाँ पास सेल हो चुका है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं जोमेटो का एक क्वांटिटी सेल हो चुका है। डिलीवरी में मार्केट प्राइस में कितने प्राइस में सेल हुआ है, 178.35 रुपए में सेल हो चुका है। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ पास आपको पोर्टफोलियो में लेकर चलता हूँ कि हमारा पोजीशन अभी शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पास फिर से पोर्टफोलियो में चले जाते हैं। पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा पोजीशन यहाँ पास शो नहीं हो रहा है। यहाँ पास हमारा पोजीशन गायब हो चुका है, क्योंकि हमने होल्डिंग को यहाँ पास सेल कर दिया है। तो दोस्तों, सेल करने का प्रोसीजर आप आसानी से सीख गए होंगे कि आपको क्या क्या प्रोसीजर करना है तो आपका होल्डिंग सेल हो जाएगा। दोस्तों, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सेल बटन में क्लिक करते हैं और NSDL का
प्रोसीजर क्यों आ रहा है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, सोल्डिंग को सेल करने का प्रोसीजर वही है, आपको NSDL में OTP सबमिट करके परमिशन लेना होता है। तो मैंने आपको प्रोसीजर कंप्लीट बता दिया है, उसके बाद मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूं पोर्टफोलियो में आकर। यहाँ पास पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा जोमेटो का शेयर जो पहले दिख रहा था वो अब यहाँ पास शो नहीं हो रहा है, यहाँ पास हमारा पोर्टफोलियो सेल हो चुका है। वहीं अगर मैं यहाँ पास ओपन पोजिशन में जाकर देखूंगा तो यहाँ पास हमने जो आज एग्जीक्यूटेड किया है वो यहाँ पास शो कर रहा है। हमने आज क्या किया है, जोमेटो का जो होल्डिंग था उसको सेल कर दिया है, तो यहाँ पास हमारा ओपन पोजिशन में वो शो कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये कल तक सेटलमेंट हो जाएगा, आप आज सेल करते हैं तो कल तक सेटलमेंट हो जाता है। वहीं अगर आप फिर से ऑर्डर में जाकर देखेंगे तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा जोमेटो का एक क्वांटिटी सेल हो चुका है, जो कि फुल एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है, मतलब कि सेल हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पास कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, आप घबराइएगा मत, आपके मार्केट ओवर में कल तक सेटलमेंट हो जाएगा और आपका जो भी फंड है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आसानी से होल्डिंग सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको मार्केट रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।